सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, सब भीग चुके हैं, नहा चुके हैं, कपड़े अंदर तक गीले हो गए, इतने तो हम लाए भी नहीं थे। ये है हमारे रूम से सिटी का व्यू 41st फ्लोर से, और ये है हमारा व्यू फ्रॉम द 41st फ्लोर ऑफ एम्बेसी सुइट्स। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे व्लॉग में, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शनाया दीदी के लिए बन रहे हैं एयर फ्रायर में ब्रेड रोल। ये मैंने जैसे आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मम्मी पापा के लिए स्पेशली हम लेकर आए हैं ताकि क्या डीप फ्राई उनको ना खिलाया जाए, तो दो से ही ट्राई करेंगे, बनाएंगे नया यम 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 यम। ये निकाले हैं मीनल ने ब्रेड रोल, इसमें से निकले तो थोड़े कड़क है, पता नहीं खा के पता चलेगा कैसा टेस्ट है इनका। यमी यमी इन माय टमी, यमी 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 इन माय टमी, टेस्टी लगे है नाया को बहुत ही। तो शनाया और मैं निकल चुके हैं हमारी इवनिंग वॉक पे, मेरी इवनिंग वॉक और इसकी रन। ये शनाया की नानी की सबसे फेवरेट पजामा है शनाया का, मुझे इतनी तेज चलना पड़ रहा है क्योंकि इसके पजामे के पीछे एक बन्नी बना हुआ है, उनको ये वाला पजामा। हाँ वेरी गुड, उठो उठो, हाँ हाथ साफ करो, हाथ साफ करो, गुड गर्ल। नाया को लेके आना पड़ा है मुझे वापस क्योंकि काले बादल आ गए हैं, गरजने की आवाज भी आ रही है, लग रहा है कि बहुत तगड़ा अभी तूफान आने वाला है। हो रहे हैं सब रेडी और नाया दीदी कह रही है चलो, उसका है बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन। मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना, ये देखो सूर्य देव ने आज अपनी कृपा हम सब पर बरसाई हुई है, और हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, हम जा रहे हैं सीधा नायाग्रा फॉल्स क्योंकि वहां पे हमें कुछ एक्टिविटीज जो थी वो रह गई थी वो करनी है, आज करेंगे नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर अगर बारिश नहीं हुई तो। अब सूर्य देव की कृपा हो गई है, इंद्र देव की कृपा जरा अच्छे से बरसे या ना बरसे। अभी हम लंदन से भी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अभी से खाना पीना हो चुका है चालू, महर्षि ने खोल लिया अपने चिप्स और पीछे चल रहे हैं अपने चीटो सैंडविच और बाकी सारी चीजें। ये देखो ये लग गया है यहाँ पे जाम, फ्राई ये मना रहे हैं सारे के सारे, सब निकले हुए अपने काम से, और ये महर्षि कर रहा है वर्क फ्रॉम कार, सब कुछ चल रहा है साथ साथ में। पहुंच गए हैं हम नायग्रा फॉल्स, हमने इस बारी बुक कराया है क्राउनी प्लाजा जस्ट जो कि बॉर्डर पे है यूएस और कनाडा के। ये देखो ये है इस जगह की बात, इतना प्यारा लग रहा है ये क्राउनी प्लाजा अंदर से। ये दो क्वीन साइज बेड लिए हैं, क्वीन मेरे को लग नहीं रहा है, महर्षि और मेरे को चिपक के सोना पड़ेगा इसमें। व्यू पुराने वाले व्लॉग जैसा तो नहीं है, डालूंगा मैं ये देखो, लेकिन ये आपको ब्रिज दिखाई दे रही होगी, ये है यूएस की ब्रिज, सामने ये है यूएस की काउंटर, क्रॉस करके सीधा यूएस है, और ये रही हमारी फॉल्स। आती शुरू हो गई शनाया की शैतानिया, हाँ करो जंपिंग 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 जंपिंग। इस बारे में बोलूंगा जहां हम क्राउनी प्लाजा में रुके हैं, द एक्सपीरियंस हैज नॉट बीन एज नाइस एज इट वॉज इन एम्बेसी स्वीट्स। एम्बेसी स्वीट्स तो यार मैं सच बता रहा हूँ, क्राउनी प्लाजा इज नॉट बैड, अच्छा है, अच्छी लोकेशन है, एवरीथिंग इज नाइस, बट इफ गिवन एन ऑप्शन $50-60 ही देखो ऊपर होता है, गो फॉर एम्बेसी स्वीट्स, उसका जो व्यू रूम्स और बाकी सब है ना वो नायग्रा में किसी भी उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप। हल्के से जरा आपको क्लिफ्टन हिल के दर्शन करवा दूं कि आज फ्राइडे इवनिंग है और क्या भयंकर रश हो रखा है भाई यहाँ पे, इतना बुरा होटल है ये क्राउनी प्लाजा टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि मेरा मन नहीं किया शनाया को इस होटल में रुकवाने का और दो मिनट भी, तो मैंने बुक कर दिया एम्बेसी स्वीट्स बाय हिल्टन अभी के अभी, और हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा एम्बेसी स्वीट्स हमारे फेवरेट होटल में, क्योंकि आज हमारा नायग्रा आने का रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज है सोनल का बर्थडे, जो है शनाया की बुई द मोट अमाउंट, और वो बर्थडे अच्छा ही निकलना चाहिए। तो मैंने करी है एक बहुत ही बढ़िया चीज, मैंने क्योंकि शनाया मेरे लिए है प्रिंसेस, और अगर उससे पूछो कि शनाया सरकार किसकी है तो बोलती है नाया, तो क्योंकि सरकार नाया दीदी की है तो मैंने शनाया के लिए बुक किया है प्रेसिडेंशियल सुइट। ये देखो हमारे सारे नवाब साहब को, ये एक्चुअली रूम है ऑन द 41st फ्लोर। नाया दीदी देखो खुश हो गई, बस इसकी खुशी के लिए तो कोई पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता। और एक चीज बता दूं, दिस प्रेसिडेंशियल सुइट हैज अ जकूजी, यहां से निकलते वी हैव टू बिग बेड्स, मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो, अलग से बाथरूम वॉशरूम, एंड वी हैव स्टैंडिंग वॉशरूम हियर एज वेल। मम्मी पापा को लेकर आऊंगा और सोनल को तो जरूर लेकर आऊंगा। व्हाट्सअप, ये रहे हमारे दो बेड बड़े बड़े, एक टीवी, और यहां से देखो जरा व्यू भाई साहब, ये होता है व्यू, स्काई इज द लिमिट, स्काई इजंट इवन द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट ब्रो, एक बारी तो अगर इंसान नीचे देखे तो चक्कर ही आ जाए। सो दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग, वी आर स्टेइंग एट द एम्बेसी स्वीट्स
प्रेसिडेंशियल सुइट ऑन द 41st फ्लोर ब्रोस्कीज़। ये देखो नया दीदी भी सबको नीचे देख रही है, इतना नीचे है। पर बात ऐसी है कि सोनल का बर्थडे हो और हम अच्छे से ना मनाएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। शनाया जब बचपन में आई थी तब भी बहुत खुश हुई थी, आज भी बहुत खुश हो रही है डायनो 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 देख के। ये रे नाया के डायनो, इतने सारे, ये डायनासोर पार्क है यहाँ पे। ये रही हमारी क्लिफ्टन हिल जो लगती है बहुत ही सुंदर। अभी तो शाम हो रही है, रात को अगर हो पाया तो रात को लेकर आऊंगा, बहुत रोशनी होती है। द हॉन्टेड हाउस एक ऐसी जगह जहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ। ये रहा हमारा जोकर। तो अब हम जा रहे हैं बोट पे, वहाँ पे लेके जाएंगे हम इनको बिल्कुल टुवर्ड्स द फॉल्स। मैं तो गया हूँ, शनाया मीनल और महर्षि कभी नहीं गए तो इनका पहला एक्सपीरियंस होगा। आ गए हम नायग्रा फॉल्स के बहुत ही क्लोज। ये देखो कितनी पास आ गए हम नायग्रा फॉल्स के। ये आ रहे हैं हमारे दो बंदर और ये देखो हमारा सबसे प्यारा बंदर। ये देखो गाइस एक बारी, ये देखो एक गिट्टू मेरा बूमरैंग बना देगा। हवा चल रही है तेज। ओहो ये अमेरिकन साइड है वाटरफॉल का। ये देखो क्या बौछारे आ रहे, शावर आ रहा है इसका झरने का। अब आएगा असली मजा क्योंकि अब हम एंटर करने वाले हैं शावर में। देखो आप सबके लिए आए हैं फॉल्स के इतना इतना क्लोज। भाई सब नहा चुके हैं, ये देखो सब नहा चुके हैं फॉल्स के पानी में, पवित्र हो गए हैं। नहीं ये देखो ये ओए 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 और पानी आ रहा है। वाओ क्लैपिंग हैप्पी। सब भीग चुके हैं, नहा चुके हैं, कपड़े अंदर तक गीले हो गए, इतने तो हम लाए भी नहीं थे। वो देखो वहां से दूर से लोग हमें देखते हैं। ओहो इतना सारा पानी फिर से। महर्षि तो कह रहा है कि एक बार ही और चलते हैं लेकिन एक बार और नहीं जा पाएंगे, अब हमें कमरे में जाके शनाया के कपड़े बदलने होंगे। बहुत जल्द हम नायग्रा फिर वापस आएंगे क्योंकि मम्मी पापा आने वाले हैं और मम्मी पापा को तो बहुत मजा आएगा यहाँ पे। ये देखो रेनबो, इतना क्लोज रेनबो हमारे, इतना क्लोज। ये है वो ब्रिज जो रेनबो ब्रिज मैंने आपको दिखाई थी, यूएस जाती है। ये सारा यूएस साइड है, वो भी यूएस की साइड है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मम्मी पापा को सोनल को पैदा करने के लिए, और सोनल को थैंक यू कहना चाहता हूँ पैदा होने के लिए। सोनल थैंक यू सो मच, तेरे बर्थडे में हमने खूब मजे किए हैं भाई। ये देखो सोनल के बर्थडे के उपलक्ष्य पे यहाँ हो रहे हैं फायर क्रैकर्स बर्स्ट और हमें मिल रहा है इनका सीधा सीधा व्यू। मतलब आप लोग देख सकते हो कि हम इतना क्लोज रह रहे हैं इनसे कि पटाखे भी नीचे हैं हमसे, इतना ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। सोनल हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा नाया भी कह रही है प्यारा। सोनल का बर्थडे तो कनाडा ने भी बनाया नायग्रा फॉल्स पे। ये देखो नाया कैसे लग रहा है लाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बस अभी अभी सोकर उठे हैं और जरा ये नजारा देखो, बताओ कहां और मिलेगा ऐसा नजारा शानदार। ये शनाया के हाथों की वजह से शीशा गंदा हो गया। ये मंगवाया हमने आईहॉप से ब्रेकफास्ट, फ्रेशली मेड मोजरेला स्टिक्स, बटर पैनकेक्स, टोस्ट बटर जैम। ये इतना हेल्दी ऑमलेट, टोस्ट बटर एंड जैम। नाया जैम किधर है, कहाँ है जैम? बाकी मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी को डिटेल में नायग्रा फॉल्स का देखना है तो हमारी पिछली सीरीज देख लेना नायग्रा फॉल्स की, उसके दो पार्ट बनाए थे मैंने, इतना ज्यादा कवर किया था। अभी भी कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, स्वीट जीसस आइसक्रीम में नहीं लेकर जा पाया मैं, इस बारी तो खुली हुई थी, बट मिलते हैं जल्दी जब मम्मी पापा आएंगे, जरूर जाएंगे वहां पे आप सबसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ व्लॉग गाइज, अपनी जिंदगी के 10-12 मिनट हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द, टेक केयर।